आज हम आए हैं हमारे यहाँ गांव की एक आंटी के पास कि वो खाद कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए, और गोबर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसे वो जानने के लिए। तो चलिए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? जिनत। आपके जो लोकल टॉयलेट्स होते हैं उसमें आप खाद कैसे बनाते हो? हम इसमें मिट्टी डालते हैं, घोड़े का गोबर भी डालते हैं, खाद राग भी डालते हैं, ये जलाते हैं। गोबर हम चूल्हे में जला कर राख बनाते हैं, इसको भी डालते हैं, इसको हम खाद बनाते हैं। आप उस खाद से क्या करते हो? वो खेतों में लगाते हैं। आप खेतों में जो खाद निकलती है उसे आप कैसे ले जाते हो दूर खेतों तक? वो टोकरी में ले जाते हैं, पीठ में उठाकर, घोड़े में उठाकर, अभी तो गाड़ी भी है, गाड़ी में उठाकर ले जाते हैं। आप अपने लोकल टोकरी इस्तेमाल करते हैं? हाँ, लोकल 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 टोकरी, तो आपके अपने हाथ की बनी हुई टोकरी। अच्छा, तो आपके जो अभी खेत है उनको ये वाली आपकी लोकल खाद ज़्यादा यूजफुल होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से खाद होती है वो ज़्यादा यूजफुल होती है? वो लोकल अभी अभी तो गवर्नमेंट की भी होती है, लोकल भी होती है। पहले ज़माने में तो लोकल होती थी, अभी तो फसल अच्छा नहीं होता है, पहले ज़माने की तरह नहीं होता है। तो पहले ज़माने में लोकल खाद इस्तेमाल करते थे इसलिए फसल अच्छा होता था। वो लोकल भी लगाते हैं, लगाते तो सरकारी भी लगाते हैं, ज़्यादातर तो सरकारी लगाते हैं। अभी टॉयलेट की मॉडल ज़माना है, अभी कमोड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो टॉयलेट कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए खेतों में कम होता है, इसलिए फसल की प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो थोड़ा सरकारी भी लगाते हैं। आप अपने घर में किस टॉयलेट का इस्तेमाल करते हो, लोकल या मॉडल? जो हमें अपने घर में अभी हम लोकल टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने खेतों में भी लोकल खाद ही डालते हो? हाँ, लोकल खाद देते हैं। कुछ लोग ही जो सरकार कुछ लोग सरकारी लगाते हैं, कुछ कुछ कहीं कहीं गाँव में सरकारी लगाते हैं। हमारे इधर कासर में तो ज़्यादातर टॉयलेट है, और लोकल वो कामों का सिस्टम ज़्यादा नहीं है, लोकल टॉयलेट है। तो आपका फसल पहले ज़्यादा अच्छा होता था कि अभी ज़्यादा? पहले अच्छा होता था, अभी सरकारी खाद लगाते हैं इससे थोड़ा वो खराब होता है। आपके घर में भेड़ बकरियां घोड़े वोड़े होंगे, तो आप उनके गोबर से क्या करते हैं? गोबर हम विंटर के लिए जमा करते हैं जलाने के लिए चूल्हे में, सर्दी ज़्यादा होती है विंटर में, इसलिए घोड़े का गोबर तो हम सुखाने के लिए बाहर निकालते हैं, फिर सुखाते हैं हम, फिर जलाते हैं। अच्छा। और वो बकरी का तो हम खाद बनाते हैं, खाद बनाते हैं, अच्छा। खाल बनाते हैं।